नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं टेकमैन व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके के जो फ्रीज़र होते हैं, फ्रीज़र बॉक्स जो कि सिंगल डोर फ्रिज में लगते हैं, वो कैसे बनते हैं। क्योंकि जब भी आप ऐसे फ्रीज़र बॉक्स दिल्ली से या कहीं से परचेज़ करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि आप इस तरीके की जो शीट्स होती हैं इस तरह की, वो आप पूरा बॉक्स ख़रीद सकते हो और उस बॉक्स के अंदर 30-40 शीट्स होती है, जो कि आपको एक बॉक्स की ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में पूरा बॉक्स पहुंच जाता है आपके पास। लेकिन अक्सर इस तरह के बॉक्स को बना नहीं पाते हैं जो ख़रीदार हैं, जो रिटेलर हैं, तो इसीलिए इस तरह के बॉक्स ही खरीद लेते हैं। जबकि इस तरह की शीट खरीद के वो पैसे बचा सकते हैं अपने, 20-30 रुपये ये शीट सस्ती भी मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी चार्ज कम लगता है। तो आइए आज देर ना करते हुए हम देखते हैं कि ये बॉक्स कैसे बनता है एक लकड़ी की डाई से। दोस्तों, इस तरह की फ्रीजर शीट्स होती हैं जिससे फ्रीज़र बॉक्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको एक फ्रीज़र बॉक्स बनाएंगे। देखिए, हमेशा फ्रीज़र के अंदर ये कट्स होते हैं, इन कट्स को देखना है आपको। जैसे कि LG Star 1 का शीट है और इससे हम जब फ्रीज़र बनाएंगे तो इसकी जो डाई होगी वो लकड़ी की डाई होगी। देखिए, इस तरह की डाई होती है, ये इसकी डाई है। और इस डाई के ऊपर देखो, साइड में लिखा भी हुआ है Star 1। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे दो निशान हैं, ये देखिए, ये दो निशान हैं। ये जो निशान है, इसके साथ ही आपको अपने फ्रीज़र में देखना है कि कहाँ पे निशान है। ये देखिए, दो निशान यहाँ भी है। तो इन दो निशानों को हमेशा इसके साथ ऐसे लगाया जाएगा, ये देखिए। अब आप जैसा कि ऊपर से देख रहे होंगे, इन निशान के अंदर से आपको वो जहाँ पे मार्क किया हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि इस फ्रीजर के अंदर देखो, साइडों में ऐसे लॉक होते हैं, ये लॉक होते हैं, और ऐसे जहाँ पे स्क्रू लगता है इस तरह के गोल्स बने होते हैं। तो ये होल जो है ये हल्के से उभरे हुए होते हैं ऊपर। तो जिस तरफ भी ये उभरे हुए होते हैं, हमेशा उभरी हुई साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है, और इस तरह के जो लॉक है वो लॉक हमेशा ऊपर की तरफ रखने हैं। तो जैसे कि ये हमने इसको ऊपर की तरफ रख लिया है, तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा हिस्सा पहले बैंड करना है। तो जो सबसे पहले बैंड करना है वो हिस्सा होता है लॉक वाला हिस्सा। तो जिस तरफ लॉक होंगे वो हिस्सा पहले बैंड होगा। तो हमें हमेशा ऐसे किसी बॉक्स पे या किसी ऐसे टेबल पे रख लेना है इस डाई को, जहाँ पे हम किनारे के साथ इसको रख सकें। ये देखिए, हमने किनारा दे दिया इसको, और डाई के सारे निशान है वो हम फ्रीज़र के साथ मिला लेंगे। तो साथ ही जब हम फ्रीज़र की शीट को फोल्ड करेंगे तो हम अपने एक हाथ से इसको ऐसे दबा लेंगे और दूसरे हाथ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो जब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस हाथ को यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर उधर भागेगा नहीं। तो जब हमने इधर से इसको फोल्ड कर दिया तो दूसरी तरफ से अब कैसे फोल्ड करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे पलट लेंगे, हम इसको ऐसे पलट लेंगे और पलट के वापस से फिर ऐसे ही हाथ इस पे रख के नीचे की तरफ थोड़ा सा दबा के और इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये मोड़ गया। अब फिर इसको पलटेंगे हम और इसको दूसरी तरफ रखेंगे। अब हम ये देखिए, ऐसे पलटा और इसको अब दूसरी तरफ रख के, अब दूसरी तरफ का, अब इसको ऐसे रख के और दूसरी तरफ से साइड का सहारा लेके एक हाथ से फिर इसको दबाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। फिर इसको उठाएंगे और ऐसे उल्टा करके और सारी किनारियां मिला के इधर से और इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये देखिए। अब देखिए, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है, देखिए ये लॉक जो है बिल्कुल इसके बराबर आ गए हैं, देखिए ये इसके बिल्कुल बराबर है। अगर हम इसके लॉक पहले लगा देंगे तो ये डाई जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो जब हमने पूरा फ्रीजर जब फोल्ड कर दिया है तो हम इस डाई को बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ये डाई बाहर निकल गई है, इसको हम एक तरफ रख लेंगे। अब हमें एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने प्लास ले लिया है। प्लास से क्या होगा, हमने इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे और इसके लॉक्स को हम इन छेदों के अंदर से बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए। जो भी लॉक टेढ़ा है उसको प्लास की मदद से पहले सीधा कर लेंगे, ये देखिए टेढ़ा है बीच वाला भी, तो इसको सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया, और इसको भी थोड़ा सीधा कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये लॉक्स जो हैं वो छेद के अंदर से बाहर आ जाएंगे।
ये देखिए ये आ गया। अब एक तरफ से दूसरा कर देते हैं, ये आ गया और ये बीच वाला भी आ गया। तो जैसे कि दोस्तों ये लॉक्स अब ऊपर की तरफ आ गए हैं, अब इनको हम फोल्ड कर लेंगे किसी प्लास से। ये देखिए इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे प्लास से। ये हल्का सा कर लिया। तो दोस्तों अब ये जो लॉक है इनको परमानेंट फिक्स करने के लिए एक इस तरीके का एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए, जो कि सिर्फ उतने ही साइज़ का हो जितने साइज़ के अंदर लॉक्स हैं। जहाँ पे पाइप है अभी आपको दिखा देते हैं, जैसे आप देख रहे होगे इस तरफ भी पाइप है और इस तरफ भी पाइप है, तो आपको इतना गुटका लेना है कि वो किसी भी तरीके से लगाएं तो इन पाइपों की तरफ ना जाए। ये देखिए हम जैसे यहाँ लगाएंगे, अब ये जहाँ जहाँ हमने लगाया है वहाँ पर कोई पाइप नहीं है, और एक छोटी सी हथौड़ी की मदद से ऊपर से इसको पीट देंगे। ये देखिए, ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये बनके तैयार हो गया है हमारा स्टार वन एलजी का फ्रीजर बॉक्स। तो इसी प्रकार आप बाकी कंपनियों के जैसे गोदरेज, सैमसंग, व्हर्लपूल, ऐसे सभी कंपनियों के जो फ्रीजर बॉक्स है वो बना सकते हैं खुद से ही। तो जब भी आप ऐसे बॉक्स भी लेते हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आपकी बढ़ती है उसमें आपका मार्जिन कम हो जाता है जब आप रिटेल में बेचते हो, क्योंकि जहां आपकी शॉप है वहां आसपास जो और बाकी शॉप्स हैं वो कंपटीशन में आपसे सस्ता भी माल दे देंगे। तो हमेशा आप ऐसी शीट्स ही खरीदें जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लगे और दूसरा बने हुए जो फ्रीज़र पे रेट ज़्यादा लगता है वो रेट भी कम हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने कितनी आसानी से इस फ्रीज़र बॉक्स को बनाया, उसी तरीके से आप बाकी कंपनीज के भी बना सकते हैं। बस आप ऐसी शीट्स लीजिए और आपको ये डाई चाहिए होगी जो कि जहाँ से भी आप स्पेयर पार्ट खरीदते हैं या ऐसी शीट खरीदेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। 300-400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक ये डाइयां बनती हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जो कि हमने फ्रीजर बॉक्स के ऊपर बनाई? अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं ऐसी किसी टेक्निकल नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।